हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे रैम ड्राइव के बारे में। तो आइए जानते हैं। अ रैम ड्राइव इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रीड्स एंड यूजेस एज अ सेपरेट हार्ड ड्राइव। बेसिकली रैम ड्राइव जो है वो एक रैम का हिस्सा है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है, जिसको एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मदद से एक सेपरेट हार्ड ड्राइव के रूप में देखा जा सकता है। बेसिकली इट इज़ अ वर्चुअल ड्राइव विच इज़ नॉट अ फिजिकल प्रेजेंट बट इज़ ट्रीटेड एज अ हार्ड ड्राइव। बेसिकली ये जो रैम ड्राइव है ये एक वर्चुअल ड्राइव है जो फिजिकली तो नहीं प्रेजेंट है, बट इसको एक हार्ड डिस्क के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ सच ड्राइव वॉज टू ब्रिज द परफॉर्मेंस गैप बिटवीन हार्ड डिस्क विच वर जनरली स्लो स्पीड कम्पेयर टू रैम। बेसिकली इन ड्राइव का जो यूज़ था वो हार्ड डिस्क और रैम के बीच का जो गैप है उसको कम करना था। जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ड डिस्क जो है वो रैम के मुकाबले में उनकी स्पीड जो है वो काफ़ी कम होती है। बेसिकली वन कैन यूज़ देम फॉर स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली चेंजिंग डेटा सच एज टेम्पररी कैचेस एज दे प्रोवाइड फास्टर एक्सेस कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव। जैसे कि हम जानते हैं कि रैम ड्राइव जो है वो एक रैम का ही पार्ट है और रैम की स्पीड जो है वो हार्ड डिस्क से ज़्यादा तेज़ होती है, तो इनका इस्तेमाल हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले डेटा को तो स्टोर करने में रख सकते हैं। जैसे हमारा कैचे हुआ जिसको हम बार बार जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इस रैम ड्राइव को बनाने के लिए बेसिकली हमको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जो विंडोज़ में हम कर सकते हैं, और इसको इंस्टॉल करने के लिए ये सॉफ्टवेयर हमारे ही जो एग्जिस्टिंग रैम है उसका एक पार्ट जो हम सेलेक्ट करते हैं उसको ये लेता है। जैसे कि अगर हमारी 4 GB की रैम है और हम एक 2 GB की हार्ड डिस्क बनाना चाहते हैं रैम ड्राइव, तो ये उस 4 GB रैम में से 2 GB हार्ड डिस्क 2 GB सॉरी रैम ले लेगा, और जितनी भी हमारी फाइल होंगी रैम डिस्क में वो हमारी रैम पे स्टोर होती हैं जैसे कि आप जानते होंगे। और ये रैम डिस्क जो हैं ये पॉपुलर क्यों नहीं है, व्हाई रैम डिस्क आर नॉट पॉपुलर? तो बेसिकली ये पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि वोलेटाइल नेचर है। जैसे कि आप जानते हैं कि रैम डिस्क जो है वो रैम का पार्ट है और रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जैसे ही पावर सोर्स इसका ख़त्म होगा ये सारा डेटा स्पेस से डिलीट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हमने अपना कंप्यूटर बंद किया रैम ड्राइव पे मौजूद हमारा सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। यूजेस सिस्टम रैम विच कैन रिड्यूस परफॉर्मेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि ये रैम ड्राइव जो है ये कहीं और से नहीं आती है, ये हमारी रैम से आती है। यानी कि अगर हमारे सिस्टम पे 4 GB रैम है और हमने उसको 2 GB रैम डिस्क के लिए अलॉट कर दिया, तो हमारी ये जो रैम है उसका 2 GB हिस्सा रैम डिस्क में चला जाएगा। इसलिए अगर कोई सिस्टम है जिसकी परफॉर्मेंस इश्यूज हैं और उस पर हमने इसको एलोकेट कर दिया 2 GB, तो उस सिस्टम की जो रैम है वो भी कम हो सकती है। बेटर अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल लाइक SSD विच आर बेस्ड ऑन रैम। बेसिकली रैम डिस्क के बेटर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जैसे SSD जो रैम की टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड हैं और आज के समय में हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट हैं और रैम के ही आप कह सकते हैं काफ़ी करीब हैं।